एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। हर दिन की तरह मैं नेहा राजपूत आपके सामने हाजिर हो लेकर दैनिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे आपके आज के दिन के बारे में। दिन है आज मंगलवार, हनुमान जी का दिन है। कोशिश करें आज के दिन लाल रंग पहनने की, क्योंकि कहते हैं हनुमान जी जो है लाल रंग से जल्दी प्रसन्न होते हैं, और मंगलवार का के दिन का जो कलर है वो भी लाल है। तो लाल रंग पहने और साथ ही दिन की शुरुआत भगवान हनुमान की, हनुमान जी की पूजा से करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हार्डली आपको बहुत कम समय लगेंगे, 5 से 10 मिनट, 15 मिनट में आप पूजा कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जो आपको पूरे दिन एक फ्रेशनेस फील होगी वो आप खुद ही अनुभव कर पाएंगे। तो कोशिश करें इस तरीके से जो है दिन की शुरुआत करने की। बाकी इस दिन के बारे में और भी आपको खास बातें बताते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले पंचांग जान लेते हैं। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो रात को 11:22 तक रहेगा। शुभ समय जिसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं उसकी बात करें तो आज प्रातः 11:51 से 12:44 तक शुभ मुहूर्त है। राहुकाल यानी अशुभ समय की बात की जाए तो शाम को जो है 3:38 से 5:18 तक राहुकाल चलेगा। दिशाशूल आज उत्तर दिशा में यानी नॉर्थ डायरेक्शन में, तो आपको इस दिशा में जो है कोई भी इस दिशा की तरफ मुख करके आपको शुभ कार्य नहीं करना है। तो इन तीनों चीज़ों का ही खास ध्यान अगर रखते हैं तो आपको जो है ये दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं तो ज़रूर ध्यान रखिए। बाकी व्रत की बात करें तो आज प्रदोष व्रत रखा जाएगा। हर महीने प्रदोष व्रत आती, मतलब महीने में 2 बार प्रदोष व्रत आता है, एक कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत और एक शुक्ल पक्ष का। तो अभी जो ये प्रदोष व्रत आज है ये है शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत। इसको कुछ लोग त्रयोदशी व्रत या तेरस के नाम से भी जानते हैं। यह व्रत माता पार्वती और भगवान शिव के लिए किया जाता है। कहते हैं इस व्रत को करने से जो बेहतर स्वास्थ्य है और लंबी आयु है वो मिलती है। तो अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, अभी जो महामारी फैली है, इसमें हम सभी जो है अपने स्वास्थ्य के लिए ही कार्य कर रहे हैं, स्वास्थ्य को ध्यान में रख के ही हर चीज़ कर रहे हैं। तो क्यों ना आज के दिन प्रदोष व्रत की पूजा भी की जाए, ताकि आप जो है बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर सके भगवान शिव से, माता पार्वती से। शास्त्रों के अनुसार एक साल में प्रदोष बहुत बार आता है, लेकिन महीने में ये 2 बार आता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। आगे और भी बातें करेंगे इस दिन कैसे पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सेहत बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य की कामना के लिए। जो है स्वास्थ्य की कामना कैसे करनी है, आपको भगवान से प्रार्थना कैसे करनी है, ये सारी बातें बताएंगे इस वीडियो में। साथ ही आपके राशिफल के बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले मेष वालों के बारे में जानते हैं, जो राशि चक्र की पहली राशि होती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एरीज। मौज मस्ती और मनपसंद का काम करने का दिन है। आर्थिक समस्याओं ने क्रिएटिव सोचने की आपकी क्षमता को बेकार कर दिया है। आज किसी बुजुर्ग रिश्तेदार की निजी समस्याओं में मदद करके आप उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। आपके जहन में काम का दबाव होने के बावजूद आपका लव पार्टनर आपके लिए खुशी के पल लाएगा, यानी आपकी लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। क्रिएटिव काम में लगे लोगों के लिए आज सफलता भरा दिन है। उन्हें वह शोहरत और पहचान मिलेगी जिसकी उन्हें एक अरसे से तलाश थी। मुमकिन है कि आपके अतीत से जुड़ा कोई शख्स आज आपसे संपर्क करेगा और उस दिन को यादगार बना देगा। आज आप अपने जीवन साथी से काफी आत्मीय बातचीत कर सकते हैं। उपाय के तौर पर आज घर में तिल के तेल का दीपक जलाएं। शुभ अंक है 3 और शुभ रंग है केसरिया और पीला। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। बेकार की बात कर पर जो है बहस करके आप अपनी ऊर्जा आज जाया ना करें। फालतू चीज़ों में एनर्जी वेस्ट कर देंगे तो क्रिएटिव काम में, अच्छे कामों में लगाने के लिए आपके पास एनर्जी नहीं बचेगी। तो इसीलिए बेकार की बातों में बहस ना करें। जहां लगता है कि बातों को, कुछ बातों को छोड़ देना चाहिए, तो उस बात पे बहस करने से बजाय उस बात को वहीं पे लेट गो करें। याद रखें कि वाद विवाद से किसी को कभी कुछ हासिल नहीं हुआ है, खोता ज़रूर है। इससे इंसान अपना क्रोध करता है, अपना टाइम वेस्ट करता है, एनर्जी वेस्ट करता है, तो वाद विवाद ना करें। और वैसे भी बहस करना तो और भी गलत चीज़ है, तो इसीलिए बहस आज ना करें, वाद विवाद ना करें। आज के दिन भूल कर भी किसी को पैसे उधार नहीं देने हैं वृषभ राशि के जातकों को, और अगर देना बहुत ज़रूरी हो तो देने वाले से लिखित में ले कि वो पैसा आपका कब वापस करेगा, नहीं तो पैसे फंस सकते हैं। बच्चे आपको घरेलू कामकाज निपटाने में मदद करेंगे। विवादित मुद्दों को आज उठाने से बचें। अगर आज आप किसी से बातचीत करते हैं या डेट पर या किसी जो है लव लाइफ के एंगल से अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो विवादित मुद्दे ना उठाएं। कार्य क्षेत्र में आपको हर कोई जो है, या कार्य से रिलेटेड हर कोई आपको गंभीरता से सुनेगा और आपकी बातों को तवज्जो देगा। आज टीवी या मोबाइल पर मूवी देखने में आप इतना व्यस्त हो सकते हैं कि आप जरूरी कामों को करना ही भूल जाएंगे।
आपके और आपके जीवन साथी के बीच कोई बाहरी व्यक्ति आज दूरी पैदा करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आप दोनों चीजें संभाल लेंगे। अच्छी बात है, कभी भी तीसरे को अपनी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने देना चाहिए। आप दोनों की निजी जीवन है, तो इसलिए जो भी समस्याएं आती हैं आप दोनों खुद ही बैठकर इसे सुलझाएं। उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है, सोते समय तांबे के पात्र में एक जल रखें और अगली सुबह उसे जो है किसी पौधे में डाल दें। शुभ अंक है 3 और शुभ रंग है केसरिया और पीला। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। आपकी उम्मीद एक महक से भरे हुए खूबसूरत फूल की तरह खिलेगी। पैसा अचानक आपके पास आएगा जो आपके खर्चों और बिल आदि को संभाल लेगा, यानी पैसों के मामले में दिन अच्छा है। ऐसी जानकारी जाहिर ना करें जो व्यक्तिगत और गोपनीय हो। आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा क्योंकि आपका प्रिय आज आपके लिए बहुत सारी खुशी की वजह साबित होगा। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे स्टूडेंट्स खासतौर पर, उन्हें दिमाग शांत रखने की जरूरत है। दिमाग में बहुत सारी चीजें ना भरें, नहीं तो पढ़ाई आप नहीं कर पाएंगे एकाग्र मन करके। परीक्षा की घबराहट या फिर किसी तरीके का डर मन पर हावी ना होने दें। आपका प्रयास आज आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देगा। वक्त से हर काम को पूरा करना कठिन होता है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लिए भी वक्त निकाल पाते हैं, इस बात को समझिए। हर काम जो है अगर आप कल पर टालते हैं तो आप अपने लिए कभी समय नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए जो भी है आज के दिन खत्म करें और कल जो है वो आप अपने जीवन को जिएं। कल जो आपकी प्राथमिकताएं हैं उसको करें, तो किसी भी काम को कल के लिए नहीं टालना चाहिए। मुश्किल से 5 मिनट लगता है आपके मन को समझाने में, तो मन को समझाएं और हर काम उसी समय पर खत्म करें। थोड़ी सी कोशिश करें तो यह दिन आपके वैवाहिक जीवन के सबसे विशेष दिनों में से एक हो सकता है। उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है, शिव जी की पूजा। शुभ अंक है 1 और शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन बहुत अच्छा है। आपकी खुशमिजाजी ही आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगी। जिन लोगों ने अपना पैसा सट्टेबाजी में लगा रखा था, आज उन्हें नुकसान होने की संभावना है। सट्टेबाजी से दूर रहने की ही आपको सलाह दी जाती है। सट्टा लगाना अच्छी बात नहीं है। अपनी मेहनत की कमाई आप इस तरीके से सट्टे में अगर उड़ा देंगे तो वो पैसे जो है वेस्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए कुछ किसी अच्छी चीज़ में पैसे लगाएं। अपने बच्चों को अपने उदार बर्ताव का बेवजह फ़ायदा ना उठाने दें। प्यार का जज्बा अनुभव के परे है, लेकिन आज आप प्यार की इस मदहोशी की कुछ झलक पा सकेंगे। आज के दिन कार्यालय का माहौल बढ़िया बना रहेगा, यानी ऑफिस का अगर कोई काम आप घर से भी कर रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छे मूड में होंगे। अपनी बातचीत में मौलिकता रखते हैं क्योंकि किसी भी तरह का बनावटीपन जो है आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाने वाला। आप दुनिया में खुद को सबसे रईस महसूस करेंगे क्योंकि आपका जीवन साथी जो है बहुत अच्छा व्यवहार करेगा और उसका व्यवहार आपको ऐसा महसूस कराएगा। उपाय के तौर पर आज के दिन फिटकरी से दांत साफ करें। शुभ अंक है 4 और शुभ रंग है भूरा और सलेटी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। लेकिन उससे पहले, जैसा कि हमने आपको कहा कि आज है 13 त्रयोदशी या प्रदोष कह लें, प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम जो है प्रदोष व्रत मनाते हैं। प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी को ही प्रदोष व्रत कहा जाता है। सूर्यास्त के बाद और रात के आने का जो पहले का समय होता है प्रदोष काल कहलाता है। कुछ लोग जो हमारे जो है डेली व्यूअर्स हैं, जो हमारी वीडियोस को फॉलो करते हैं, वो हमेशा ये बातें सुनते हैं। जब भी प्रदोष आता है तो हम ये बातें बताते हैं, तो ये जानकारियाँ हम इसलिए देते हैं आपको ताकि जो लोग नए हैं या जो लोग पहली बार हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं, जिनको नहीं पता प्रदोष व्रत के बारे में, उनको भी इस दिन के बारे के महत्व के बारे में पता चल जाए। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में व्रत पूजा पाठ उपवास का बहुत महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से व्रत करने से व्यक्ति को मन चाहे वस्तु की प्राप्ति होती है। वैसे तो हिंदू धर्म में हर महीने की प्रत्येक तिथि को कोई ना कोई व्रत या उपवास होता है, लेकिन इन सभी में प्रदोष व्रत की बहुत मान्यता है। आगे और भी बातें करेंगे, लेकिन फिर से शुरू करते हैं राशिफल। बात करेंगे सिंह राशि की। दिन फायदेमंद साबित होगा और आप किसी पुरानी बीमारी में काफ़ी आराम महसूस करेंगे। लंबे समय से अटके मुआवजे और कर्ज आदि आखिरकार आपको मिल जाएंगे। रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा और दिमागी बोझ से छुटकारा मिलेगा। आज प्यार के मामले में सामाजिक बंधन तोड़ने से बचें। ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए आप नितांत एकाकी हैं, यानी अकेलापन आपको फील होगा। सहकर्मी सहयोगी मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन वे ज़्यादा सहयोग नहीं कर पाएंगे। ज़रूरतमंदों की मदद करने की आपकी खासियत आपको सम्मान दिलाएगी। जीवन साथी की खराब सेहत के चलते आप चिंताग्रस्त हो सकते हैं। उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है, किसी करीबी को सफेद रंग की कोई चीज भेंट में देनी है। शुभ अंक है 3 और शुभ रंग है केसरिया और पीला। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। आपका विनम्र स्वभाव सराहा जाएगा, कई लोग आपकी खासी तारीफ कर सकते हैं।
खास लोग ऐसी किसी भी योजना में रुपए लगाने के लिए तैयार होंगे जिसमें संभावना नजर आए और विशेष हो। घर पर आपके बच्चे आपके सामने किसी समस्या को तिल का ताड बनाकर पेश करेंगे। कोई भी कदम उठाने से पहले तथ्यों की भली भांति पड़ताल कर लें। आपकी आंखें इतनी चमकीली हैं कि वे आपके प्रिय की अंधेरी रात को भी रोशन कर सकती हैं। आज ऑफिस के किसी सहकर्मी से दिल लगाने से बचे, नहीं तो आपकी बदनामी हो सकती है। यदि आप किसी से जुड़ना चाहते भी हैं तो ऑफिस से दूरी बनाकर ही उससे बात करें। आपने बीते दिन में कार्यक्षेत्र में कई काम अधूरे छोड़े हैं जिसका भुगतान आपको आज करना पड़ सकता है। आज आपका खाली वक्त भी ऑफिस के काम को पूरा करने में ही लगेगा। जीवन साथी के साथ थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ी छेड़छाड़ आपको किशोरावस्था के दिनों की याद दिला देंगे। उपाय के तौर पर आज गणेश या विष्णु जी की पूजा इस राशि के जातकों को करनी है। शुभ अंक है 1 और शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। पिता आपको हो सकता है कि अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दें, या आपको जो है प्रॉपर्टी को लेकर पिता से विवाद हो सकता है, पैसों को लेकर विवाद हो सकता है। लेकिन निराश ना हो, ध्यान रखें कि संपन्नता जो है दिमाग को जंग लगा देती है और कठिनाई उसे पैना कर देती है। फौरी तौर पर मजे लेने की अपनी प्रवृत्ति पर काबू रखें और मनोरंजन पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। घरेलू जिंदगी सुकून भरी और खुशनुमा रहेगी। फूल देकर अपने प्यार का आज इजहार कर सकते हैं अगर किसी को करना चाहे तो, या कोई अच्छा सा गिफ्ट भेजकर या उनसे प्यार भरी बातें कर। आज के दिन आपका कठिन परिश्रम फलदायी सिद्ध होगा। कुछ लोगों के लिए आकस्मिक यात्रा आज योग में है और ये यात्रा जो है काफी दौड़ भाग भरी और तनावपूर्ण रहेगी। लेकिन यही सलाह रहेगी कि जो भी यात्रा है, अगर जब तक बहुत ज्यादा अर्जेंट ना हो, अभी इन यात्राओं को जो है ना करें, क्योंकि अभी बाहर जो है सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है। हर दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना जो विक्टिम्स है, कोरोना जो वायरस से जो अफेक्टेड हैं उनके जो है बढ़ते जा रहे केसेस, तो आपको जो है आपको अपने आप पे जो है कोशिश करनी है कि आप अपने आप को सेफ रख सकें, तो घर में ही रहें, यात्रा वगैरह को भी टाल दें। आपका जीवन साथी आपको इतना बेहतरीन पहले कभी महसूस नहीं हुआ, आपको उनसे कोई बढ़िया सरप्राइज मिल सकता है। उपाय के तौर पर आज सूर्योदय के समय प्राणायाम करें। शुभ अंक है 3 और शुभ रंग है केसरिया और पीला। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। खुशनुमा दिन के लिए मानसिक तनाव और झंझटों से बचें। आप खुद को नए रोमांचक हालात में पाएंगे जो आपको आर्थिक फायदा पहुंचाएंगे। आपको खुश रखने के लिए आज आपके बच्चे जो कुछ बन पड़ेगा वह जरूर करेंगे। प्रेम के नजरिए से आज का दिन आपके लिए खुशियों भरा रहेगा। ऐसे लोगों के साथ जुड़े जो स्थापित हैं और भविष्य के रुझानों को समझने में आपकी मदद कर सकते हैं। वक्त से बढ़कर कुछ नहीं होता, इसीलिए आप वक्त का सदुपयोग करते हैं। लेकिन कई बार आपको जीवन को लचीला बनाने की भी जरूरत होती है और अपने घर परिवार के साथ समय बिताने की जरूरत होती है। जब आप अपने जीवन साथी से भावनात्मक तौर पर जुड़ते हैं तो नजदीकी अपने आप महसूस की जा सकती है। उपाय के तौर पर दूध, दही, घी, कपूर, सफेद फूल का दान करें। शुभ अंक है 5 और शुभ रंग है हरा और फिरोजी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। दोस्तों, प्रदोष व्रत है आज। शास्त्रों के अनुसार महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि में शाम के समय को प्रदोष कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जो है प्रदोष के समय कैलाश पर्वत स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं। इसी वजह से लोग शिवजी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन प्रदोष व्रत रखते हैं। इस व्रत को रखने से सारे कष्ट और हर प्रकार के दोष मिट जाते हैं। कलयुग में प्रदोष व्रत को करना बहुत ही मंगलकारी होता है और शिव कृपा मिलती है। सप्ताह के 7 दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। प्रदोष को कई जगहों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत में लोग प्रदोष को प्रदोषम के नाम से जानते हैं। आगे और भी बातें करेंगे, फिलहाल फिर से शुरू करते हैं आपका राशिफल। धनु राशि वालों की बात करते हैं। आज आपकी सेहत पूरी तरीके से अच्छी रहेगी। आपकी मनोकामनाएं दुआओं के जरिए पूरी होंगी और सौभाग्य आपकी तरफ आएगा। साथ ही पिछले दिनों की मेहनत भी रंग लाएगी। गैर जरूरी चीजों पर रुपए खर्च कर आप अपने जीवन साथी को आज नाराज कर सकते हैं। दिन रोमांचक है क्योंकि आपके प्रिय का फोन या प्रिय के द्वारा कोई संदेश आपका दिन बना देगा। व्यवसाय में किसी से धोखेबाजी से बचने के लिए अपनी आंख और कान आज आपको खुले रखने होंगे। आज आप खुद को लोगों के ध्यान के केंद्र में पाएंगे और हो सकता है कि कोई आपकी सहयोग की वजह से पुरस्कृत भी हो या सराहा जाए। आज के दिन वैवाहिक जीवन का असली स्वाद भी आप चख सकते हैं। उपाय के तौर पर नहाने के जल में काली सरसों के दाने डालकर स्नान करें या काले तिल। शुभ अंक है 2 और शुभ रंग है सिल्वर और सफेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मकर राशि के जातकों। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन जो है खेलों और आउटडोर गतिविधियों में भागीदारी
करके जो है आप अपनी खोई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करने में मदद कर सकते हैं। यानी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो सेहत अच्छी रहेगी। बोलते समय और वित्तीय लेन देन करते समय थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आज के दिन बिना जो है कुछ खास किए आप आसानी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। प्रेम हमेशा आत्मीय होता है और यही बात आज आप अनुभव भी करेंगे। यात्राओं से व्यवसाय के नए मौके मिलेंगे, लेकिन अभी यात्राओं को करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो यात्राओं को टाल दें। आपके घर वाले जो है आपसे आज कई परेशानियां शेयर करेंगे, लेकिन आप अपने ही धुन में मस्त रहेंगे और खाली समय में कुछ ऐसा करेंगे जो करना आपको पसंद है। आज के दिन आपका वैवाहिक जीवन एक खूबसूरत बदलाव से गुजरेगा। उपाय के तौर पर आज के दिन किसी भी स्त्री का दिल दुखाने से बचें। शुभ अंक है 2 और शुभ रंग है सिल्वर और सफेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। जो समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं उन्हें हल करने के लिए होशियारी, चतुरता और कूटनीति के दांव पेचों की जरूरत है। अगर आज आप जो है कहीं कुछ काम कर रहे हैं तो अपने कीमती सामान का ध्यान रखें, नहीं तो खो सकता है या चोरी हो सकता है, टूट सकता है, तो कीमती चीजों का ध्यान रखना है आपको। खासकर अपने पर्स को आज बहुत संभाल कर रखें। परिवार पर दबदबा बनाए रखने की अपनी आदत को छोड़ने का वक्त है, नहीं तो इससे घर वाले आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। जिंदगी के उतार चढ़ाव में उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। आपका बदला हुआ बर्ताव उनके लिए खुशी का सबब साबित होगा। प्रेम निसीम होता है सभी सीमाओं के परे। ये बातें आपने मुझसे पहले भी सुनी हैं, लेकिन आज का वह दिन है जब आप इसे खुद ही महसूस करेंगे। हो सकता है काम से रिलेटेड परिस्थितियां आपके पक्ष में हों और आपको अच्छा फल भी मिले। प्रेमी को वक्त देने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी ज़रूरी काम के आ जाने से आप उनको समय दे पाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपका जीवन साथी आपको प्यार का एहसास देना चाहता है, उसकी मदद करें। उपाय के तौर पर आज जो है सूर्य स्नान करें, यानी कि नहाने वाले पानी में गेहूं, साबुत मसूर, लाल सिंदूर डाल लें। शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है लाल और मैरून। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मीन राशि के जातकों की। सेहत के नजरिए से यह वक्त थोड़ा कठिन नहीं है, इसीलिए जो आप खाएं उसके प्रति सावधान रहें। आर्थिक तौर पर सुधारता है, अपने परिवार के सदस्यों की भावनाओं को आहत करने से बचें। इसके लिए अपने गुस्से पर काबू रखें। दिन को खास बनाने के लिए स्नेह और उदारता के छोटे छोटे तोहफे लोगों को दें। अन्य दिनों की अपेक्षा आज आपके सहकर्मी या आपके जो है कलीग्स जो है आपको अधिक समझने की कोशिश करेंगे। आज आप फुर्सत के क्षणों में कोई नया काम शुरू करने का सोचेंगे, लेकिन इस काम में आप इतना उलझ सकते हैं कि आपके ज़रूरी काम भी छूट जाएंगे। आज आपको महसूस होगा कि शादी के वक्त किए गए सारे वादे सच्चे हैं, आपका जीवन साथी ही आपका हमदम है। उपाय के तौर पर आज के दिन बेसन की कोई चीज़ खुद भी खाएं और लोगों को भी खिलाएं। शुभ अंक है 7 और शुभ रंग है क्रीम और सफ़ेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। तो अभी तक तो जाना हमने कि आज का दिन कैसा बीतेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। आज कौन सा व्रत है ये भी हमने आपको बताया कि आज है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पूरी निष्ठा से भगवान शिव की आराधना करने से जातक के सारे कष्ट दूर होते हैं और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत करने से का जो फल होता है वो 2 गायों के दान जितना होता है। इस व्रत के महत्व को वेदों के महाज्ञानी सूत जी ने गंगा नदी के तट पर शौनकादि ऋषियों को बताया था। उन्होंने कहा था कि कलयुग में जब अधर्म का बोलबाला रहेगा, लोग धर्म के रास्ते को छोड़ अन्याय की राह पर जा रहे होंगे, उस समय प्रदोष व्रत जो है एक माध्यम बनेगा जिसके द्वारा वो शिव की आराधना कर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकेंगे और उनके सारे कष्टों को अपने आप वो दूर कर सकेंगे। सबसे पहले इस व्रत के महत्व के बारे में भगवान शिव ने माता जो है सती को बताया था। उसके बाद सूत जी को इस व्रत के बारे में महर्षि वेदव्यास जी ने सुनाया, जिसके बाद सूत जी ने इस व्रत की महिमा के बारे में शौनकादि ऋषियों को बताया था। और आज हम सभी जानते हैं कि प्रदोष व्रत जो है कितना ज़्यादा जो है हिंदू धर्म में महत्व रखता है, कितने लोग इस व्रत को करते हैं और कितने जो है उनके जीवन में बदलाव आता है इस व्रत को करने के बाद। तो उम्मीद करते हैं आज जो प्रदोष व्रत का ये दिन है, भगवान शिव आप सभी के जीवन में जो एक कष्ट है, जितने भी आपकी तकलीफें हैं वो दूर करें, आपके जीवन को खुशियों से भर दें, आपकी सारी समस्याएं दूर हों। इन्हीं सब कामनाओं के साथ आज प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन लोगों का जन्मदिन है आज उनको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे आपसे कल। अगर वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। मिलते हैं कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।